5T सचिवंकु टार्गेट कला कांग्रेस। एथर संसद रे उठिबो 5T सचिव विवाद। डीओपीटी चिट्ठी रे उत्तर न आसिले संसद रे प्रसंग उठाइबो कांग्रेस। 5T सचिवंक जिला गस्त को नहीं विरोधीक टार्गेट परे पांड्यान को सुरक्षा रे बाहरी चंती मुख्यमंत्री। अभियोग प्रकोष्ठ को आसुथिबा अभियोग रो सुनाणी मो सरकार अंतर्गत हेबो। जहां काम हेबार थिबो 5T सचिवों निर्देश रे हेबो बोली कहिसंती नवीन। एबे विरोधी आक्शन प्लान कौन रहिबो से नहीं प्रश्न उठिथिबा बेले प्रतिक्रिया रखिसंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय पटनायक। तांको कहिबा कथा मुख्यमंत्री जिलापाल तहसीलदार कि विडीओ मानक भरोसा नहीं, से जनक विश्वास करुछंती। पावर को सेंट्रलाइज कले लोके विलंबरे न्याय पाइबे। अन्यपटे डीओपीटी को लिखिता चिट्ठी उपरे कौनसी उत्तर न आसिले प्रसंग सीधा संसद रे उठिबो बोली से कहिसंती। वर्तमान से केवल जणे व्यक्ति को विश्वास करुछंती एवं से होउछंती 5T सचिव। जदि सबु पावर सेंट्रलाइज कर दिया जीवो एवं अभियोग सुनिबार जो व्यवस्था जो विधिवत व्यवस्था अछि से व्यवस्थाटा को जदि भांगिकी चूरमार कर दिया जीवो ताले लोक माने की प्रकार न्याय पाइबे सेटा आपण माने सहजरे अनुमान करि परथुबे। अन्य माने ताले अछंती काहे कि एते बड़ा ब्यूरोक्रेसी अछि काहे कि ताले जदि डीओपीटी या उपर कार्यानुष्ठान ग्रहण न करे ताले आमे ई घटना पार्लियामेंट रे उठिबे। 5T सचिवंक गस्त को विरोध परे पांड्यान मुख्यमंत्री को निर्देश रे एपरी करूथिबा दर्शाइथिले। एपरिकि जनसभारु मुख्यमंत्री को ऑडियो और भिडियो कॉल मध्य करथिले। एपरि गस्त और घोषणा को असंवैधानिक दर्शाई विरोधी कार्यानुष्ठान दाबी रे डीओपीटी को चिट्ठी लिखिथिले जहार उत्तर एबे मध्य आसी नाही। सेपटे वरिष्ठ राजनैतिक समीक्षक रवि दास कहिसंती अभियोग रो सुनाणी मो सरकार अंतर्भुक्त करी 5T को अधिक सशक्त करिसंती नवीन। विरोधी पार्टी चुप कर देइसंती। एबे विरोध करने विरोधी पाखरे आउ किछि बाटो नाही। विरोधी दल को आक्रमण को हटेबाई मुख्यतः कल से अभियोग मो तरफ सीएम तरफ लोक मान अभियोग शुणा जाऊर विरोधी दल कह कि कहबार ना मुख्यमंत्री तक अभियोग प्रकोष्ठ को किपरि परिचालित करे प्रति आसुवा अभियोग को से रास्ता आम बतई पार्बुन पांड्यान को हईराण में पकईदे असुविधा पकईदे जो प्रचेषा चली था मुझे अनेक परिमाण में कमी जीवा। तबे देखिबार कथा मुख्यमंत्री को उत्तर परे विरोधी चुप रहुचंती ना आउ किछि बयानबाजी करुचंती। भुवनेश्वर रु लालमोहन पंडा रिपोर्ट ईटीवी भारत।